व्हाट्सअप गाइस भाई, अगर आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव होंगे तो भाई आपने फेस स्मूदिंग वाली वीडियो जरूर से देखी होगी, जो कि इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा वायरल चला है। तो आप भी भाई अपने नॉर्मल से वीडियो को जस्ट वन क्लिक में कुछ इस प्रकार से फेस स्मूदिंग कर सकते हैं। तो भाई हम इस तरीके की वीडियो में फेस स्मूदिंग करने के लिए यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है फर्सोना ऐप। तो सिंपली आपको इस ऐप को डाउनलोड करना होगा। भाई आपके पास ये ऐप नहीं है तो आप इसे प्ले स्टोर पे जाके लिए डाउनलोड कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री ऐप है। और भाई इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक बना दूंगा, आप जाके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और भाई मैं आपको बता दूं कि मैंने काफी बार यूज किया है। भाई आपको एक दिक्कत आएगी इसमें, क्योंकि भाई इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं होता जिसकी वजह से हमें इस प्रकार से वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आपको अपने ऐप को इस प्रकार से ओपन करना। भाई ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको पैसा पे करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे हम फ्री में करने वाले कोई भी पैसा हम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। तो सिंपली भाई ऊपर में से एक कट का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको इस पे क्लिक करना होगा कट वाले ऑप्शन पे। और जैसे भाई कट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे नीचे में आपके सामने एक गैलरी का ऑप्शन दिख जाएगा। तो भाई आपको इसे गैलरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। और भाई जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका जो गैलरी है कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आ जाएगा। तो भाई आपको अपना वीडियो सिलेक्ट करना होगा, आपको जिस वीडियो में फेस स्मूदिंग करना है। तो यहाँ पे मैं एक वीडियो को ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। और भाई जैसे आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे ऑप्शन है फिर से पैसा पे करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे आपको फिर से कट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। और भाई जैसे आप कट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप सामने कुछ इस प्रकार से प्रोसेसिंग, और भाई प्रोसेसिंग होने के बाद आपका जो वीडियो है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इस ऐप में ओपन होकर आ जाएगा। भाई यहाँ पे हमारा नॉर्मल सा वीडियो है, आपको भी अपने वीडियो को कुछ इस प्रकार से शूट करना, मतलब यहाँ पे आपको अपने वीडियो को सिलेक्ट करना होगा जो भी आपका वीडियो लगा यहाँ पे दिखते नॉर्मल सा वीडियो है, इससे हम फेस स्मूदिंग करने वाले। तो यहाँ पे अपने वीडियो में फेस स्मूदिंग करने के लिए यहाँ पे नीचे में बहुत सारा आपको ऑप्शन दिख रहा है। तो भाई ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है PIP का, आप इसे यूज नहीं कर सकते। भाई आपको इसे यूज करना है तो आपको यहाँ पे पैसा पे करना पड़ेगा। तो भाई हमें अपने वीडियो में फेस स्मूदिंग करने के लिए यहाँ पे जो तीसरा वाला ऑप्शन दिख रहा है तो सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना हो। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे फिर से ऐड आएगा, तो आपको फिर कट पे क्लिक करना हो। जैसे आप कट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन है बहुत सारा फिल्टर देखने को मिल जाएगा जो कि आपको वीडियो में फेस स्मूदिंग करने वाला। यहाँ पे फर्स्ट वाला फिल्टर है, यहाँ पे जब फर्स्ट वाले फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो फेस है थोड़ा जो लोडिंग हुआ, भाई लोडिंग हुआ तो यहाँ पे आपका जो फेस है यहाँ पे कुछ बात से स्मूदिंग हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है आप हमारा फेस। यहाँ पे तो परसेंटेज भी दिया हुआ है, इसे आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने वीडियो के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप इसे फुल रखिएगा, क्योंकि भाई फुल रखेंगे तो आपका जो वीडियो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। यहाँ पे जो भाई दूसरा वाला फिल्टर आप दूसरे वाले पे क्लिक करेंगे इससे और भी ज़्यादा रिजल्ट आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा। ये जो फिल्टर भाई काफ़ी ज़्यादा वायरल चला, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। और भाई इसे यूज करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारा फिल्टर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप इसे यूज करके देख लीजिए कि आपको कौन सा फिल्टर अच्छा लग रहा है, आप इसे इस तरह से कर सकते हैं। और भाई करने बाद आपको यहाँ पे राइजर में क्लिक करना होगा। जैसे कि भाई मान लीजिए कि आपके वीडियो में थोड़ा बहुत लाइट कम है, यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए हमारे वीडियो में थोड़ा बहुत लाइट कम है, तो सिंपली आपको यहाँ पे जैसे दूसरा वाला ऑप्शन दिख रहा है उसके बगल में इस पर आप क्लिक कीजिएगा। और भाई इस पर क्लिक में आपको फिर से कट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। और भाई इस पे क्लिक मतलब परसेंटेज का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इसे पूरा फुल करना होगा। इससे हुआ जो आपका दांत है तो दिखने में काफी ज्यादा अच्छे लगे, यहाँ पे देख सकते हैं। अभी आप मोबाइल से मतलब वीडियो देख रहे हैं इसे, और इसके वजह से आपको यहाँ पे क्लियरिटी उतना देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन भाई बहुत ही क्लियरिटी यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे इस तरह से अपने करना होगा। और करने बाद आपको अभी राइजर में क्लिक करना, भाई इस पर क्लिक करने बाद हमें अपने वीडियो में थोड़ा बहुत लाइट वेट को भी अच्छे से एडजस्ट करना होगा जिससे हमारा वीडियो नेक्स्ट लेवल तक जाए। तो ये आपको हल्का सा फिर एंड में होगा, तो हल्का सा एंड में तो यहाँ पे आपको एक एडिट का ऑप्शन दिखेगा। तो भाई आपको इस एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। और भाई इस पे क्लिक करना आपको फिर से कट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जिस बार आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे उसने बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे बाकी एप्लीकेशन में देखने को मिलता है। यहाँ पे ब्राइटनेस का ऑप्शन दिख रहा है, तो आप ब्राइटनेस वाला ऑप्शन पे आएगा। और भाई आपकी वीडियो में थोड़ा बहुत लाइट कम है तो यहाँ पे आप अपने वीडियो के अकॉर्डिंग से अच्छे से एडजस्ट कर। तो फिलहाल यहाँ पे मैं इस प्रकार से लगभग 22% रहता हूँ। और भाई 22% के बाद उसके बाद में आपको यहाँ पे राइट साइड में क्लिक करना होगा। और भाई क्लिक करने बाद यहाँ पे आपके सामने एक जो कॉन्ट्रेस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, आप कॉन्ट्रेस्ट को भी यूज करके अपने वीडियो के अकॉर्डिंग देख लिया कि आपके वीडियो में ये अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो फाइनली हमारा जो वीडियो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से एडिट हो गया, अब इसे आप अपने गैलरी में सेव कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगेगा आपका वीडियो जब गैलरी में सेव होगा। तो सिंपली आपको ऊपर देख सकते एक सेव का ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, तो भाई आपको इस पर क्लिक करना होगा सेव वाले ऑप्शन पे। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये जो वीडियो वो आपके गैलरी में बहुत ही अच्छी तरीके से सेव हो जाएगा। और भाई सेव होने के बाद आप उसे इंस्टाग्राम पे डाल अच्छा खासा व्यूज ला सकते हैं। तो भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं किसी यौने वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।